अपने पावर्स को हम दूसरों की मदद के लिए क्यों इस्तेमाल करें, जबकि हम अपने पावर्स को वो सब पाने के लिए यूज कर सकते हैं जो हमें चाहिए। ऐसा कहना है माइकल मॉर्निंगस्टार का। शायद उसके सेल्फिशनेस के वजह से ही उसके ऊपर एक कर्स पड़ा और वो माइकल मॉर्निंगस्टार से बन गया डार्क स्टार। गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में आपको माइकल मॉर्निंगस्टार और डार्क स्टार से रिलेटेड गजब का नॉलेज मिलेगा, तो एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट बात करते हैं माइकल को विंटेन में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो गाइस, एक्चुअली माइकल को जस्ट फन के लिए विंटेन में एंटर किया गया था। अब सोचोगे कि लेकिन वो कैसे? सीरीज में हमने अक्सर देखा है माइकल कुछ भी करके अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर डिफीट हो जाता है और डार्क स्टार बन जाता है। और ऐसा होते हुए हमें सीरीज में कई बार देखने को मिला है, जो कि ऑब्वियसली एक फनी सीन है। अगर माइकल की पावर की बात किया जाए तो उसका पावर एक तरह से ग्वेन और केविन के पावर का कॉम्बिनेशन है। देखो, उसका जो एनर्जी या लाइफ को ऑब्जर्व करने का पावर है वो समवट केविन के पावर ऑब्जर्वेशन एबिलिटी से सिमिलर है, जबकि उसका लाइट एनर्जी या डार्क मैजिक क्वीन के मैना या मैजिक पावर से सिमिलर है। माइकल के डेब्यूट के टाइम उसने कुछ लड़कियों के लाइफ फॉर्म या एनर्जी को ऑब्जर्व करके उनके हाथ पे एक सिंबल सेट कर दिया था। एक्चुअली ये सिंबल ड्रॉ कार्डिसन का सिंबल है। माइकल लिविंग बींग से एनर्जी ऑब्जर्व करके उन्हें जॉम्बी बना देता है। उसका ये बिहेवियर वैम्पायर से इंस्पायर्ड है। हम सब लोगों को पता है कि माइकल जो लाइफ एनर्जी ऑब्जर्व करता है वो ही मैना, लेकिन ये बात हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है कि माइकल जिस एनर्जी का प्यासा है वो एक्चुअली मैना है। ये बात माइकल को कैसे पता चला? उसके मम्मी और सौतेले पापा दूसरे शहर में एक मकान में रहते हैं और इस शहर में माइकल का खुद का एक मकान है। डेब्यूट के टाइम माइकल ने ये कहा था कि उसे अपना प्लम्बर ब्याज उसके डैड से मिला था, यानी माइकल के पापा भी एक प्लम्बर थे। बस आपके हिसाब से डार्क स्टार कितना पावरफुल है? वेल, डेविड मैकडफी सोचते हैं कि डार्क स्टार बेन का मोस्ट डेंजरस एनिमी है। कुछ भी। माइकल के कैरेक्टर डिजाइन और इंस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। माइकल के बेंटेन एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाले लुक को ग्लेन वोंग ने डिजाइन किया था और उसे कलरिंग का काम किया था क्रिस हुटेन ने। डार्क स्टार का नेगेटिव पावर ब्लैक कलर के मैना जैसा है, जो काफी सिमिलर है द टीन टाइटंस का एक कैरेक्टर रेवेन से। रेवेन भी इस कलर का एनर्जी प्रोजेक्ट करती है। और माइकल मॉर्निंगस्टार का लुक वर्टिगो डीसी कॉमिक के सीरीज सैंडमैन एंड लूसिफर के लूसिफर कैरेक्टर से सिमिलर है। इन दोनों का हेयर स्टाइल, हेयर कलर और स्कार भी सिमिलर है। तो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग बेंटेन से रिलेटेड दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आज का हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।